हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि रीडर्स ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कहाँ है, तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट करी। अब मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ, थैंक्स पूछने के लिए और इतनी सारी क्वेरीज के लिए। और आज की वीडियो, जैसे कि मैं काफ़ी दिन बाद लाई हूँ, तो थोड़ी सी डिफरेंट भी है। मतलब अब तक का मेरा सबसे डिफरेंट टॉपिक और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी काफ़ी टाइम से। मैं जैसे भी अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें आते रहते हैं। बीच में जब भी मैं आपके साथ अपना कोई हॉल या वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप लोग कहते हैं कि अपना फुटवेयर कलेक्शन शेयर करिए, आपके पास कैसे कैसे फुटवेयर हैं वो भी दिखाइए। आज तक मैंने दिखाया नहीं, तो अभी मैंने रिसेंटली जो नए मंगाए हैं, तो मैंने सोचा वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है अपना ढेर सारा फुटवेयर कलेक्शन, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन, और मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे कलेक्शन मैंने लिया है। अभी जैसे शादी पार्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं या आपकी खुद की शादी है, तो उसके लिए भी आप इनमें से काफ़ी सारा मुझे पता है पसंद आने वाले हैं आपको, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिक्स लिए हैं, घर में पहनने के लिए डेली वियर भी है, फ्लैट्स भी हैं, हील्स भी हैं, बैली भी हैं, तो सारा ही मैंने मंगा लिया है। सबसे पहले एक बहुत प्यारी सी बैली के साथ, तो ये है एकदम ऑफ वाइट भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है, मतलब फोन शेड में बैली है। और इनकी हील्स हैं, मुझे एक्चुअली बैली बहुत पसंद है। सलवार वगैरह के साथ ना ये बहुत अच्छी लगती है, आपको पता ही है। ड्रेस वगैरह के साथ भी ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट सूट और ड्रेस मतलब इनके साथ सलवार वगैरह में ना बैली बहुत सुंदर लगती हैं, तो ये मैंने मंगा ली है। और इनका है ये शेड, ठीक है, और हील भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी सुंदर है। और जो ही जब सलवार वगैरह के साथ इनको वियर करते हैं ना, तो ये बहुत ही सुंदर लुक आती है इनमें, तो इसलिए ये मैंने मंगाई है। और ये कलर ऐसा है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, तो फर्स्ट है ये। और मैं आपको बता दूँ, ये सारे मैंने मंगाए हैं मेरा लिंक से। मेरा लिंक मीन्स वेबसाइट, जहाँ से ये सारे मैंने ऑर्डर करे हैं। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं आगे जो भी मैं आपको शो करूँगी। और मेरा लिंक के बारे में आपको आगे बताती हूँ मैं। इन सबके प्राइस आपको नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। और ये सारी ही जितनी भी मैं आपको आगे भी शो कर रही हूँ, सब अंडर 600 है, उसके अंडर अंडर आई है। मतलब 600 की आप मार्केट में जाके लेंगे तो, मैंने तो नहीं ली थी, बट मिलती नहीं है इतनी कम प्राइस पे, और इतनी अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ बहुत बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये मिल रही थी ऑनलाइन घर बैठे, तो मैंने तो ढेर सारी ऑर्डर कर दी। तो फर्स्ट हो गई है हमारी ये वाली बैली। सेकेंड मैं आपके साथ शो करती हूँ वाली सैंडल, ये इस टाइप की है और बहुत अच्छी फिनिशिंग है इनका, आप देख सकते हैं आगे से कितनी अच्छी फिनिशिंग की हुई है इनमें, ठीक है। और यहाँ पे गोल्डन कलर का इसका क्रॉस में जैसे आती है ना, ये इस टाइप की है, वियर करने में बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। हील में भी नीचे ये दिया हुआ है ताकि ये टक टक ना करे, पहनने के बाद कई अजीब सी आवाज़ करती है ना, वो भी नहीं है ये। तो ये हो गई हमारी दो बैली। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ली है मेरा लिंक से, जहाँ आप एक वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इनको परचेज कर सकते हैं मेरा लिंक के थ्रू। और आपको अगर ये लेनी है तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, फर्स्ट शॉपिंग में मिलेगा आपको 10% ऑफ, और 10% ऑफ तो मिलेगा ही न्यू कस्टमर्स को, मतलब अगर आप फर्स्ट शॉपिंग कर रहे हैं, साथ में आपको वहाँ पे कई सारे ऑफर डील मिल जाती हैं, उनसे आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनके कलर साइजेस भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको लेने के बाद भी इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लगा या फिर कोई और कलर आप चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे इजी रिटर्न की पॉलिसी है, जहाँ से इजी रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में ये आपको फ्री में आपको डिलीवरी होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है मेरा लिंक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में मिलेगा आपको व्हाट्सएप का लिंक, जिसके थ्रू आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप मंगा सको, शॉपिंग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहें तो व्हाट्सएप का लिंक है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप बडीज़ हैं, जो आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ भी है तो दिक्कत है, उसको सॉल्व कर देंगे आपके लिए। तो ये सारी आपको वहाँ पर फैसिलिटी तो मिलेंगे ही। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे दिखाती हूँ मैं अपने कुछ फुटवेयर। तो गाइज़ एक दो चीज़ और बताती हूँ मैं फुटवेयर के बारे में।
जैसे कि ये है, अब आप सोचोगे राशि ने सारी इसी तरह की क्यों ली है, मतलब ये कलर इस टाइप का क्यों लिया है, डिफरेंट कलर क्यों नहीं लिया। एक्चुअली जब मैं हील्स लेती हूँ ना, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि इसी टाइप के शेड लूँ, ठीक है, बहुत लाइट शेड, क्योंकि ये आजकल आपको पता ही है आपकी हाइट मतलब जैसी भी है, बट हील्स सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन हील्स अगर आप इस शेड में लेंगे तो इनका एक ये बेनिफिट होता है, ये आपके पैरों से बिल्कुल मैचिंग होती हैं, तो एकदम ऑड नहीं लगती हैं, और इसमें हाइट काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि आप इस टाइप के शेड्स लें जो आपके बिल्कुल पैरों से मैचिंग कुछ शेड हो ना, जैसे ब्राउन हो गया, या फिर जैसे ये बैली वाला था, तो ये एक तो ये पहनने में अलग से नहीं लगते, और ये ऐसे लगता है जैसे पैरों के साथ मैचिंग हो जाते हैं ना, तो अलग से नहीं हाईलाइट होते, हाइट काफ़ी अच्छी लगती है, और आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मैंने पहले ली थी उसमें क्रॉस था, ये सिंगल ऐसे है, और इसकी ब्लॉक हील है जो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होती है। जैसे आपको कहीं भी पहनना है, कोई ड्रेस है, सूट, साड़ी, किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। कुछ लोग के लिए ये हील काफ़ी कंफर्टेबल होती है, मतलब ये तो मोस्टली सभी के लिए कंफर्टेबल है, हील है, और इसमें सपोर्ट के लिए पीछे से ये भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे इलास्टिक दी हुई है, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेच करके पहन सकते हैं, और इसकी शेप बहुत प्यारी है, तो देखिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और इसकी जो शेप भी अंदर से, और ये पहनने में भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं है आपको पहन के बहुत बेकार लगेगा, या फिर पहना नहीं ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मुझे पहन के काफ़ी कंफर्टेबल लगे ये, तो इस टाइप के आप ज़रूर वेयर कर सकते हैं। मैंने दो तीन तो इसी टाइप के मंगाए हैं सेम शेड में, हील्स में। आपका पैर का साइज़ है 6 नंबर, तो आप 39 तक मंगा सकते हैं, बट मैंने मोस्टली ये 40 मंगाए हैं, ताकि मेरे और दीदी के दोनों के काम, क्योंकि हम आपने देखा ही होगा, हम चीज़ें शेयर कर लेते हैं, मेरा 39 आता है, उसका 41, तो हमने 40 मंगा लिए मैंने क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइट आएगा, मेरा थोड़ा सा लूज, तो हम फिट कर लेंगे उसके हिसाब से, मैंने मंगा लिए हैं ये कई सारे, तो हम दोनों के ही हैं ये भी, इस टाइप की ये हैं, और पहनने में बहुत अच्छी हैं ये, आप जीन्स के साथ, ड्रेस के साथ, सूट, साड़ी, किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं, मैंने मोस्टली यही मंगाए हैं। तो तीन तो हो गए सेम सेम शेड में, अब आपको दिखाती हूँ डिफरेंट कलर। आपको पता ही है जैसे कि हम मोस्टली वाइट और ब्लैक आंख बंद करके ले लेते हैं, क्योंकि ये कलर ऐसे होते हैं जो हर किसी ड्रेस पे चलते ही हैं, मतलब वाइट और ब्लैक एक कॉमन सा कलर है, वाइट ब्लैक, तो ये वाला नेक्स्ट है मेरा वाइट, ये भी हील्स में है, और इसमें भी सेम ब्लॉक हील्स हैं। ठीक है, इसका बकल देखिए कितना अच्छा चौड़ा सा है, और पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था ये, एकदम फैंसी सा, और ये वाला भी बहुत चौड़ा है, तो इससे ना ग्रिप बनी रहती है, पैर फिसलता नहीं है, आगे नहीं भागेगा, यहीं पर रुक जाएगा, पीछे से भी सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल है, हील इसकी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे जो नीचे छोटी छोटी पॉइंटिंग दी हुई है ना, जैसे हील्स में ये है, तो और यहाँ पे तो ये फिसलते नहीं है, कई बार नए नए ऐसे होते हैं एक दो बार के वियर में ही फिसलने लगते हैं, उस टाइप से नहीं है ये, वियर करने में काफ़ी सुंदर है, ब्लैक वाइट किसी ड्रेस के साथ, या फिर आपने कुछ भी, ये तो अलग से हाईलाइट होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ये वाला, और नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कलर की, ये होता है ना जैसे वेलवेट जैसा कुछ, क्या बोलते हैं इसको फैब्रिक को, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, माइक्रो या फाइबर में क्या बोलते हैं इसको, ये वाला है जो वेलवेट जैसा आपको लुक देता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है ऊपर से, और अंदर से वही पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, देखिए ये दे रखा है, इससे एकदम पैरों में कोई ऐसा नहीं है, बहुत टाइट टाइट लगेगा आपको, थोड़ा सॉफ्ट बाउंसी बना रहेगा, कंफर्टेबल सा इसमें दिया हुआ थोड़ा बाउंस सा, ताकि पैरों में एकदम थकावट ना हो, हील्स वगैरह पहन के बहुत देर तक हम काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए पहनते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं थक जाते हैं ना, तो उसके लिए आगे से इसमें ये भी दिया हुआ है, ताकि पैर स्टे रहे, थके ना, एकदम फिसले ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने फुटवेयर्स में ध्यान रखना चाहिए, जैसे हील्स ले रहे हैं तो कुछ सपोर्ट सिस्टम आगे की तरफ भी हो, अंदर से थोड़ा बाउंसी हो, तो जो कि आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, मोस्टली हम इन्हें पार्टी में ही पहनते हैं, घर में तो पहनते नहीं, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम्फर्टेबल रहे, तो ये पहनने में काफ़ी कम्फर्टेबल है, इनकी हील काफ़ी कम्फर्टेबल है, ब्लॉक हील्स हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और आगे से देखिए कितना फैंसी सा लुक आ रहा है इसमें ये
ठीक है, और सारी इतनी अच्छे रेंज में है कि हर किसी के बजट में आ जाएगी, मतलब 600 के अंडर अंडर हील्स में, और कंफर्टेबल भी हैं और घर बैठे आपको मिल रही हैं, तो मैं तो बोलूँगी ज़रूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आती है बारी फ्लैट्स की, मैंने कुछ फ्लैट्स भी लिए हैं, जैसे डेली मार्केट जाने के लिए कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है, तो उसमें हम डेली हील्स नहीं डाल सकते, ठीक है, हील्स मोस्टली ओकेजन वगैरह पे ही डालते हैं। वो सारी मैंने न्यून शेड न्यूड शेड ली थी, ब्लैक वाइट में ली थी, और ये वाली है एकदम हटके न्यून शेड ग्रीन, ऊपर है इसकी ट्रांसपेरेंट ये स्टेप, ठीक है, ये किसी भी ड्रेस वगैरह के साथ बड़ी अच्छी लगेगी पहनने में, वियर करने में, और काफ़ी कंफर्टेबल है, और देखिए कितने इजीली ये मूव हो रही है। पीछे इसके ये दिख रहे हैं आपको, इससे ग्रिप होती है जिससे कि ये स्लिप नहीं होती। मोस्टली मैं यही देखती हूँ कि चप्पल वगैरह स्लिप ना हो, उनमें ग्रिप अच्छी हो पीछे की तरफ बैक साइड में, तो इसमें ये है, और बहुत ही फ्लैट है, जो बिल्कुल ही फ्लैट चाहते हैं उसके लिए ये है। इनमें साइजेस वगैरह अवेलेबल हैं, इनके प्राइस आपको नीचे दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो एक हो गई ये ग्रीन कलर की, बहुत सिंपल सोवर सी और बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो आप इनको वियर करेंगे किसी के साथ भी, इससे डिफरेंशिएट, जैसे पिंक सूट वगैरह या किसी ड्रेस के साथ ग्रीन पहनी तो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लगेंगी। ये मैंने मंगाई है एक और, जब से ये मैंने मंगाई है, इवन जिस दिन मैंने मंगाई थी उस दिन से मैंने घर में वियर करनी स्टार्ट कर दी, मेरे डेली फुटवेयर। और इनके पास से देखिए कितना सुंदर प्रिंट है इसमें, यूनिकॉर्न क्राउन आइसक्रीम वगैरह बलून्स, बहुत प्यारा प्यारा सा शेड था, वाइट कलर की हैं ये, विंटर्स के लिए मैंने मंगाई है। इसमें क्या है ना, एक तो पहनने के लिए ये कंफर्टेबल हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इनमें हम अब आगे ठंड आएंगी ना तो सॉक्स वगैरह के साथ वियर करेंगे इजीली, तो दिक्कत नहीं है, नहाने के हिसाब से ठीक है, एकदम इजीली ड्राई हो जाती है क्योंकि इसमें ये है, और प्रिंट भी सुंदर है, कलर भी सुंदर है, इसमें कई सारे कलर भी हैं, एक दो और हैं कलर ऑप्शन इस टाइप के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट डेली वियर वाली, जो मैंने काफ़ी दिन से मंगा के और मैं डेली इन्हें वियर कर रही हूँ और मुझे पहनने में काफ़ी पसंद आई है ये। अब आपको एक और दिखाती हूँ लास्ट, बट इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, ये मुझे छोटी आ गई हैं, आपने देखा होगा ये, देखिए कितनी ज़्यादा शाइन, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है पर्स में बैग वगैरह ये इस टाइप का, जो ये है शाइन वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इस टाइप की मैंने मंगाई थी डेली वियर के लिए, मतलब नॉर्मली मार्केट वगैरह के लिए, बट ये थोड़ा सा साइज़ आ गया, इसको मैं एक्सचेंज करूँगी, थोड़ा छोटा आ गया था। तो ये सिंपल सोवर सी है, नीचे से ब्राउन है और पीछे से इसकी ये सिंपल है, बिल्कुल ही फ्लैट में है, और ये हो गई चप्पल। तो ये हमारी लास्ट है और इसकी शाइन बहुत सुंदर है, इस टाइप की बहुत अच्छी लगती है, किसी की ड्रेस वगैरह के साथ ये मैच कर जाएंगी इजीली, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारी मंगा ली थी। तो गाइस फुटवेयर ऐसे होते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इन्हेंस होती है, तो देखिए अगर आपने सूट डाला है, जीन्स डाली है, कुछ शॉर्ट्स ड्रेस डाली है, तो उसमें तो आपको ऐसी ही इस टाइप की आपको फुटवेयर पहननी चाहिए जिसमें कि आपके अच्छे से पैर दिखें, सुंदर दिखें, और वो भी इन्हेंस हो, बट साड़ी लहंगे वगैरह के नीचे तो आप, बट जिनमें अच्छे से हाईलाइट होते हैं तो उसके हिसाब से आप अच्छी हील बट कम्फर्टेबल भी हो, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड गाइस, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इनमें से जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगे हों आप लेना चाहते हैं तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, मेरा लिंक के थ्रू आप जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं।